शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के जंगल में करीब 200 गोवंश के शव संदिग्ध हालत में मिले थे, जिसको लेकर आज शिवपुरी में बजरंग दल द्वारा कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि करेरा नगर परिषद द्वारा लापरवाही बरती गई है, जहां करेरा नगर परिषद द्वारा गोवंश के शवों को दफनाया नहीं गया और उन्हें खुले में जंगल में फेंक दिया गया। इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही हो एवं शहर में कई मस्जिदों पर अभी भी लाउड स्पीकर पर सुबह अजान बहुत तेज आवाज में की जाती है एवं मांस मछली खुले में बेचे जा रहे हैं। अगर इन मामलों में प्रशासन द्वारा जल्द कार्यवाही नहीं होती है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम मदन राजपूत है, जिले का बजरंग दल से जिला गोरक्षा प्रमुख। आज कलेक्टर में आवेदन दिया है, किस संबंध में दिया है? ये शिवपुरी जिले के करेरा के पास में सिलारपुर गांव के जंगलों में लावारिस गौ माता को खुले में फेंक दिया गया है, उसके संबंध में बजरंग दल ने आवेदन दिया है। पूरा मामला ये था कि वहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में गौ माताएँ थीं जो कि उनको दफनाया नहीं गया था, जबकि कानूनी प्रशासन ने भी आदेश है कि जो भी मृत गौवंश मिलता है उसको आप जमीन में जमींदोस्त करेंगे, लेकिन वहाँ की करेरा नगर परिषद ने ये लापरवाही दर्शाते हुए उनमें से किसी को भी जमींदोस्त नहीं किया, वह सैकड़ों की संख्या में सिलारपुर के जंगलों में गौवंश का शव मिला है। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करवाएंगे। जैसे पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाउड स्पीकरों के ऊपर आवेदन दिया था कि वो नहीं बजेंगे, तो हिंदू समाज के सभी मंदिरों ने एक साथ पूरे लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं, लेकिन आज भी कुछ मस्जिदों में सुबह के टाइम पे अजान दी जाती है और बहुत ही उसमें दी जाती है शोरगुल में, और खुले में मांस भी बिच रहा है, उसके संबंध में भी बजरंग दल ने आवेदन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती, तो हिंदू समाज को मिलकर बजरंग उग्र आंदोलन करेगा, जिसका पूरा का पूरा श्रेय प्रशासन पर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।